आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से SBI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फुल प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, SBI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में हमें टाइप कर देना है SBI रुपए सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। ये टाइप करने के बाद हम जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमें एक लिंक देखने को मिल जाएगा जिसमें की लिखा हुआ है SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स एंड फीचर्स अप्लाई नाउ। यहाँ पर हमें सिंपल से अप्लाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो SBI बैंक की वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। हमें यहाँ पर हमारे क्रेडिट कार्ड का इमेज देखने को मिल जाएगा और ऊपर की साइड हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर लेना है। और गाइस देखिए, SBI बैंक जितने भी क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर चुकी है वो सारे इस पेज में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम अपने SBI बैंक के वीजा, मास्टर कार्ड या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड को इजिली हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पर काफी सारी कैटेगरी से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पर एक रुपए क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, सिंपली सेव SBI बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए का लोगो यहाँ पर बना हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे वीजा क्रेडिट कार्ड है जिनके ऊपर वीजा का लोगो बना हुआ है। और एक और SBI बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है जो की IRCTC SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड जो की रुपए क्रेडिट कार्ड है, इसके ऊपर यहाँ पर रुपए का लोगो बना हुआ है। तो जो भी क्रेडिट कार्ड हमें पसंद हो जिसमें हमें ज्यादा बेनिफिट्स और फीचर मिल रहे हो उस क्रेडिट कार्ड को हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं SBI बैंक का सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करने वाला हूँ, तो इसकी इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहें उस पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर हम अप्लाई नाउ ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर लेंगे। अब इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो पेज है वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो चुका है। और गाइस देखिए, यहाँ पर हम SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड को इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे हमें यहाँ पर स्टेप देखने को मिल जाएंगे। 3 स्टेप में हम अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें अपनी पर्सनल डिटेल को फिल कर देना होगा, दूसरे स्टेप में हमें अपनी प्रोफेशनल डिटेल को एंटर कर देना होगा और तीसरे स्टेप में हमें KYC के लिए बैंक वेरिफिकेशन करनी होगी। उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और आधार कार्ड के नंबर को हमें तैयार रखना है। तो चलिए, यहाँ पर हम स्टार्ट अप्लाई जर्नी ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। जो ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस से सभी यूजर्स इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे क्रेडिट कार्ड की कुछ इस तरीके की हमें इमेज देखने को मिल जाएगी। अगर हम इस कार्ड को चेंज करके दूसरा अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर हम बेनिफिट्स को देखना चाहें तो व्यू बेनिफिट ऑप्शन पर क्लिक करके इस कार्ड के हम यहाँ पर बेनिफिट्स को भी देख सकते हैं। हमें यहाँ पर बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर हम 2000 रुपए स्पेंड करें तो यहाँ पर हमें 2000 रिवॉर्ड पॉइंट ही मिल जाएंगे। 2000 रिवॉर्ड पॉइंट लगभग 500 रुपए के बराबर होते हैं। इसके 4 रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए के बराबर होता है और हमें यहाँ पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे डाइनिंग, ग्रोसरी और अलग स्पेंड करने पर। हम यहाँ से ओके ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। और गाइस देखिए, रुपए क्रेडिट कार्ड के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। जिस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट को किसी भी ऐप से लिंक करते हैं जैसे पेटीएम, फोन पे से, उसी तरीके से हम रुपए क्रेडिट कार्ड को पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से लिंक करके इससे हम UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी भी QR कोड पर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ पर्सनल डिटेल, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पर हमें अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम ये एंटर कर देना है। अगर आपका मिडल नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है जिस मोबाइल नंबर से इस क्रेडिट कार्ड को हम अप्लाई करना चाहते हैं। और गाइस देखिए, जो नाम है वो हमारे आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर को एंटर कर दिया है। टर्म एंड कंडीशन को अलाउ कर देना, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो OTP को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। OTP को हमने एंटर कर दिया, उसके बाद कंफर्म। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें अपनी सिटी को एंटर कर देना है जिस भी सिटी में हम रहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली को एंटर कर देता हूँ। आपकी जो भी सिटी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म सिटी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें अपने पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो यहाँ पर हमें एंटर कर देनी है। पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद हमें इस तरीके से कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस देखिए, पैन कार्ड के नंबर से हमारी डिटेल्स को ये वेरीफाई कर लेगा। तो यहाँ पर मदर का नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है और यहाँ पर साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है उसको आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम कोई रेफरल कोड नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए हम स्टेप 2 ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब गाइस देखिए, दूसरे स्टेप में हमें अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स को फिल कर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम सैलरीड हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर रिटायर्ड हैं, तो आप जो भी काम करते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल डिटेल्स में। तो गाइस यहाँ
पर हम कर देते हैं सैलरीड पर्सन, उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। अभी यहाँ पर हमें कंपनी का नाम दे देना है जिस भी कंपनी में हम जॉब करते हैं, तो आपकी जो भी कंपनी है उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम एंटर कर दूंगा, उसके बाद डेजिग्नेशन। तो गाइस यहाँ पर हमने कंपनी का नाम और डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें एक छोटी सी इंस्टेंट KYC करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए, जो कि डिजी लॉकर के थ्रू 1 मिनट के अंदर हो जाती है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। अब गाइस देखिए डिजी लॉकर की वेबसाइट पर हम आ जाएंगे, हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है और ये जो कैप्चा कोड इमेज में लिखा हुआ है इसको हम एंटर कर देंगे, उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। अब हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो OTP को हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP हमारा 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है। OTP आ चुका है, इसको हम एंटर कर देंगे। OTP फिल करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना एक सिक्योरिटी पिन सेट करना होगा, तो चलिए हम कर देंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ से हमें अलाउ कर देना है। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा जो एड्रेस है वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लगा है, तो आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस रजिस्टर्ड होगा वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो गाइज देखिए जो भी हमारा करंट और करेक्ट एड्रेस है उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा, तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। और गाइज देखिए अगर हम अपने एड्रेस को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम माई एड्रेस हैज चेंज ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया एड्रेस को भी हम फिल कर सकते हैं। जो भी एड्रेस हम इसमें फिल करेंगे तो कार्ड अप्रूवल हो जाने के बाद हमारे उसी एड्रेस पर कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा, तो ये हमारे घर के एड्रेस पर ये कार्ड आ जाएगा जब भी अप्रूव होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू एंड कंफर्म ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर KYC करने के हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम घर बैठे बैठे हम यहाँ पर वीडियो KYC कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर KYC हो जाएगी, हमें अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को दिखाना पड़ेगा। और गाइस देखिए इसके अलावा हम ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी प्रोसेस मुझे लगता है वो वीडियो कॉल पर लगता है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है वीडियो कॉल के थ्रू। चलिए हम इस KYC को कर लेते हैं। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा SBI बैंक का सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, और हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और ऊपर की साइड लिखा हुआ थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, यहाँ पर हमारा नाम शो होने लगेगा। अब गाइज देखिए यहाँ पर नीचे की साइड हमें एक छोटा सा मैसेज देखने को मिलेगा, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। तो गाइज देखिए SBI बैंक की तरफ से हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक सेंड किया जाएगा, उस लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें वीडियो कॉल पर KYC करनी होगी, एजेंट से हमारी बात होगी SBI बैंक के एजेंट से। तो गाइज SBI बैंक के एजेंट को हमें हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होगा वीडियो कॉल पर ही, और एक सादा पेपर पर ब्लैंक पेपर पर हमें अपने सिग्नेचर करने होंगे, और SBI बैंक के एजेंट हमारे सिग्नेचर को भी कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद वीडियो कॉल पर तुरंत हमारी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारे घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा जब वो अप्रूव हो जाएगा। और गाइस देखिए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद तुरंत हमारे मोबाइल नंबर पर इस तरीके का एक SMS आ जाता है जिसमें हमारा एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, और हमें हमारे क्रेडिट कार्ड में 92,000 रुपए से लेकर 1,16,000 रुपए तक की लिमिट हमें हमारे क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगी SBI बैंक के सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड में। अगर गाइस हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहें कि हमारा क्रेडिट कार्ड कहां तक पहुंचा है, तो हम यहां पर एप्लीकेशन नंबर के थ्रू कर सकते हैं। ये जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है इस तरीके से हमें इसको कॉपी कर लेना है और इस SBI की वेबसाइट में आ जाना है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रैक माई एप्लीकेशन ऑप्शन पर इस तरीके से हम क्लिक कर लेंगे, और इस जगह पर हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो हमें इस तरीके से पेस्ट कर देना है। उसके बाद ट्रैक ऑप्शन पर हमें तरीके से क्लिक कर लेना है। अब गाइस हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक OTP आएगा, तो OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अभी गाइस यहाँ पर आप देखेंगे पूरा स्टेटस पूरी डिटेल यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अभी पेंडिंग में है क्योंकि हमें अपनी एक वीडियो कॉल पर KYC करनी होगी जब हमें SBI बैंक की तरफ से लिंक मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो कॉल पर KYC करने के बाद ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये वेरिफिकेशन में चली जाएगी, उसके बाद हमारा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव हो जाने के बाद 5 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा जो भी एड्रेस हमने फिल किया होगा। तो गाइस देखिए SBI बैंक का ये सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड जब हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा, तो डिलीवर हो जाने के बाद इस क्रेडिट कार्ड की हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, इस क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स है बेनिफिट्स के बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड को हम किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, इसका पिन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, या फिर इस क्रेडिट कार्ड को हम पेटीएम फोन पे में किस तरीके से लिंक करके UPI पेमेंट कर सकते हैं, टू दैट सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो, इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ इस तरीके से SBI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे बताओ तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।